दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, दिल्ली हाट के बारे में आप सब जानते होंगे और आजकल वहाँ आदि महोत्सव चल रहा है। तो चलते हैं पहले दिल्ली हाट, फिर बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में इन दिनों आदि महोत्सव चल रहा है, जहाँ कई राज्यों की कला, संस्कृति, खान पान, परिधान, संगीत आदि को देखा जा सकता है और उसे बहुत बारीकी से समझा जा सकता है। बात करें महोत्सव की, तो यह महोत्सव 1 फरवरी से शुरू हुआ था और जो लगभग 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश में बने आभूषण, कलाकृति और तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके प्रोत्साहन के लिए इसका नाम दिया गया है वोकल फॉर लोकल। यहाँ आपको कलाकृति के साथ साथ जनजाति समुदाय द्वारा उत्पादित जंगलों के कई प्रकार के उत्पादन भी देखने को मिल जाएंगे। इस महोत्सव में लगभग 1000 से ज्यादा जनजाति कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं। दोस्तों, आदि महोत्सव की बात करें तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय की कलाकृति और संस्कृति को आगे बढ़ाना था और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। तो दोस्तों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हो कैसा है और यहाँ अच्छी खासी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ आपको हाथों से बनी कलाकृति देखने को मिलेगी, वस्त्र देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा सजावट के लिए ढेरों सामान मिल जाएगा जो कि हाथों से बनाया गया हुआ है। तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको कई राज्यों के आभूषण, वेशभूषा, परिधान और खाने पीने की कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। परिधानों की बात करें तो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आदिवासी समुदाय के परिधान किस प्रकार के होते थे, वो लोग कैसे कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और जंगलों से बनी लकड़ियों के बहुत सारे सामान आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और ये बाज़ार इतना खूबसूरत है कि आप जैसे जैसे अंदर घुसते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसी दौरान अगर आप थक जाते हैं या भूख लग जाती है तो आपको बहुत सारे खाने के स्टॉल मिल जाएंगे, जहां पर आपको कई राज्यों के भोजन देखने को मिल जाते हैं। और आनंद की बात करें तो मध्य प्रदेश की झांकियां मिल जाएंगी, जहां आपको मध्य प्रदेश के परिधानों में कुछ पुतले खड़े मिल जाएंगे, उनके वस्त्र मिल जाएंगे, आभूषण मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप घूमेंगे आपको अलग ही मज़ा आता रहेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ की आकृति आप देख सकते हैं, इन्होंने जंगली लकड़ियों से कुछ बना रखा है, बांस से कुछ बना रखा है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ कैसे आना है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ आने के लिए आपको जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है INA। अगर आप अपने पर्सनल कन्वेंस से आते हैं तो भी आपको INA ही आना पड़ेगा और INA के बिल्कुल साथ में ही दिल्ली हाट है। यहाँ अंदर आने के लिए आपको 30 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी और 30 रुपये में आप चाहें तो जितनी मर्जी देर तक अंदर घूम सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आप ख़रीदारी करते हैं उसके अलग चार्जेज हैं, जो कि आप जिस भी शॉप पर ख़रीदेंगे उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे और आपका मन करेगा कि थोड़ा और देख लिया जाए। तो यहाँ खाने के अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, आप जाकर वहाँ खाने का आनंद भी उठा सकते हैं।
और इसके साथ साथ आप यहाँ लाख की चूड़ियाँ या कंगन बनवा सकते हैं, वो भी अपने सामने, और तीरंदाजी का भी मजा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बाजार किस तरीके से सजा हुआ है, फैला हुआ है और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखने को बाकी हैं, यहीं सब कुछ ख़त्म नहीं होता। आप देख सकते हैं ये हाथों से बनी कितनी सारी कलाकृति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हैं। और ये नीचे की तरफ आप देख सकते हो टोकरियाँ बनी हुई हैं, चटाइयाँ बनी हुई हैं, कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो कि हाथों से बनी हुई हैं। और इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा चेयर बनी हुई है जो बांस की लकड़ी से बनी हुई है, सोफे बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं बाहर, और बाहर की बात अगर करें तो बाहर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। ये देख सकते हो आप हाथों से बने मैट हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा और ये यहाँ कपड़े हैं जो आप देख सकते हो, भीड़ से आपको पता लग जाएगा कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो का यहीं करते हैं अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।